हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुने। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये लिखा भी ना होता यहाँ पर, तब भी आपको भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती गाड़ी पहचानने के लिए। इसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। अब 2022 में इसको 24 साल हो चुके हैं होंडा सिटी को, नाम ले दे रहा हूँ भाई। कई लोग हैं जो नहीं है, इतने नए नए जुड़े हुए हैं हमसे, उनको तो ज़रूरी है ना। तो भाई 24 साल हो चुके हैं, 24 साल में 5वीं जनरेशन ही आ चुकी है यहाँ पर। अब 5 जनरेशन 24 साल बहुत लंबा टाइम होता है, आपको समझ रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ नहीं बदली इतने सालों में और इतना लंबा सफ़र कैसे रहा, तो वो भाई इसकी एक ब्रांड वैल्यू। सिटी अपने आप में एक नाम है, जो भी लग्जरी एक मैं लंबी गाड़ी आपने सुना होगा। बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते सेगमेंट क्या होता है, सेडान क्या है, हैचबैक क्या है, वो बस ये देखते हैं भाई लंबी वाली गाड़ी। तो भाई बहुत लोगों की ड्रीम कार रही है ये वाली लंबी वाली गाड़ी। मेरी खुद, मैं खुद बचपन में देखता था, सोचता था कि भाई लेंगे एक बार लंबी गाड़ी तो होगी सिटी। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात आती है भाई 5वीं जनरेशन में नया क्या क्या आया है। तो नई चीज़ सबसे पहले आप देखो भाई, बिल्कुल फ्रंट फेसिया चेंज हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 4th जनरेशन के भी बहुत दीवाने रहे हैं, इसीलिए आज भी कंपनी उसको सेल कर रही है। इसके साइड बाय साइड, मतलब पहली बार ही हो रहा है ये चीज़ कि जो नया अपडेट आ चुका है उसके साथ साथ प्रीवियस जनरेशन भी सेल आउट हो रही है, और वो भी कम कीमत में, बिल्कुल इससे नीचे कीमत में। अगर आपके पास पैसे कम हैं या फिर बजट कम है या फिर आप उसके दीवाने हैं, तो भाई आपके पास ऑप्शन है। वहीं 5th जनरेशन की बात करें तो ये अपने पास जो इस समय वेरिएंट है ये है वी। अब वी नाम से आता है, स्टार्टिंग इसी से होगी, देखने में आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा। फीचर्स इसमें ऐसे ऐसे हैं भाई, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे कि भाई बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें कंपनी दे सकती है, और भाई इसमें दे दी है कंपनी ने। तो सबसे पहली चीज़, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं भाई फ्रंट फेसिया से। आप देख रहे हो क्या ज़बरदस्त लग रही है, चौड़ी सी ग्रिल जो कि पूरी की पूरी यहाँ पर मर्ज होता आती है इस तरह से हेडलैम्प में। और हेडलैम्प यूनिट इस बार की इतनी प्यारी दी है भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा, मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से है। बिल्कुल दूर से देखने में लगता है ऐसे जैसे यहाँ पर 3 बैरल हैं, बैरल जरूर दिए हुए हैं लेकिन तीसरा हमको यहाँ पर इंडिकेटर दिया है। ये हमको मिल जाता है यहाँ पर प्रोजेक्टर, और ये हमारा हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर। दोनों के दोनों ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों हैलोजन बल्ब के साथ है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एंड तक जाती है DRL जलती हुई। क्या क्लासी लगती है भाई, गजब की गाड़ी लगती है। चौड़ाई आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है, तो भाई चौड़ाई है इसकी 1748 mm, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर जो है Hyundai Verna उससे भी ज़्यादा है। बिल्कुल हर चीज़ में ये उससे ज़्यादा है, चाहे चौड़ाई हो चाहे हो लंबाई। तो आप देखो 4500+mm, मतलब 4.5 मीटर से ऊपर है ये, लगभग 100 mm 4 इंच Verna से लंबी है ये। तो अब लग्जरीनेस तो भाई मिलती है जहाँ होंडा लग जाता है ना किसी सेडान गाड़ी के आगे, तो अपने आप आपको एक फीलिंग अलग आने लगेगी। यहाँ पर आपको नीचे देख रहे हो फॉग लैम्प भी दिए हुए हैं, तो इस तरह से फ्रंट फेसिया हो गया पूरा। अब आ जाती है बात साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में मैंने लेंथ आपको बताई थी 4500 से ऊपर मिल जाती है, मतलब 4549 mm, ठीक। और उसके साथ साथ व्हील बेस की बात करें, ये मिल जाता है आपको 2600 mm का, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई सेडान गाड़ी के हिसाब से। अंदर जगह बहुत ज़बरदस्त मिलती है, अंदर इंटीरियर में दिखाऊंगा भी सारी चीज़। और फिलहाल बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है आपको 165 mm का, जो कि ठीक है इसी के अकॉर्डिंग। मतलब सेडान क्लास में भाई हमको 170, 175, 180 नहीं मिल सकता, ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि मज़ा इस ग्राउंड क्लियरेंस, कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ तभी आता है जब यह हाईवे पर भागती है, गजब की लगती है गाड़ी। यहाँ पर आप देखो इस तरह से आपको शोल्डर लाइन मिलती है गाड़ी की, वैसे काफ़ी एलिगेंस है डिज़ाइन में, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो एज ए डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको ORVM, बॉडी कलर्ड है सेम, और उसके साथ इसमें दिया हुआ है आपको यहाँ पर इंडिकेटर। और भाई आ जाते हैं रियर में, ओवरऑल विंडो एरिया काफ़ी बड़ा लग रहा है। अंदर इंटीरियर आप देख रहे हो, जो प्रीमियमनेस आती है ना बीज कलर से, वो आपको यहाँ पर दी हुई है। सेम चीज़ हमको, सेम एलिमेंट जो है मिल जाता है हमको अमेज में, उसी तरह हमको यहाँ पर सिटी में मिल रहा है। आते हैं फिर से भाई इस क्वार्टर पर, देखो यार ये देख के भाई याद आती है BMW की लिटरली। और जब रात को जलती है ये इस तरह से, यहाँ पर पॉइंट जलते हैं, अभी मैं जला के भी दिखाऊंगा आगे, चलो यार बाद की क्या बात करें, फिलहाल इसको जला ही देते हैं। जला क्या, हाँ ये देखो इस तरह से जल रही है DRL, मस्त लग रही है, क्या बात है। और भाई ये देखो, ये है भाई ब्यूटी, साइड प्रोफाइल क्या मस्त लगती है, ये जो दो जलते हैं ना यहाँ पर लाइट्स, और इस तरह से पूरी की पूरी डिफ्यूज्ड ऑलवेज ऑन मोड में रहती है, मज़ा ही अलग देती है। ये चीज़ जलती है भाई, हम बड़ी बड़ी कंपनियों की, मतलब BMW वगैरह की जो एडमायर करते थे ना, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से करते थे। अंदर क्या है क्या नहीं है बाहर वाले को क्या पता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मज़ा दे देती हैं अलग ही। और भाई इस तरह से आपको टेल लैम्प मिल रही है पूरी की पूरी, और स्मोक्ड है ये आप देख रहे हो,
वैसे क्रोम व्रोम का थोड़ा सा एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मोकी इफेक्ट मिल रहा है, चाहे ग्लास की बात करें चाहे इस लैंप की बात करें। अंदर देखते हैं, यहाँ पर मिलता है इंडिकेटर के लिए बल्ब, लेकिन रिवर्स के लिए यहाँ पर आपको मिल जाती है LED। इस तरह से पूरी की पूरी प्रोफाइल मिल रही है। सिटी इधर लिखा हुआ और वी वेरियंट है जैसा मैंने बताया, वही IVTEC, क्योंकि ये पेट्रोल है तो भाई IVTEC लिखना है। वर्टिकल शेप में यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स मिल जा रहे हैं रिफ्लेक्टर। 4 पॉइंट आपको मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और उसके साथ साथ यहाँ पर मिल जाता है कैमरा। अभी कैमरा भी बड़ा कलाकार है, अभी दिखाऊंगा अंदर जाके। केवल ये नहीं है आपको लीनियर व्यू देगा, व्यू भी आप चेंज कर सकते हो इसके। ऊपर शार्क फिन मिल जा रहा है आपको एंटीना, और यहाँ पर मिल जाता है डिफॉगर, या कुछ इस तरह। ये हो गया हाई माउंट। हाई माउंट तो क्या ही कहें भाई, बिल्कुल बीच में माउंट हो जाती है ये, और जो भी क्लासी है अपनी मतलब सिडान गाड़ी है उसमें इसी जगह होता है। अब इसका हाई माउंट कहें या मिडिल माउंट कहें, जो भी कहें, फिलहाल एक और स्टॉप लैंप है। यहाँ पर मिलता है हमको टैंक, इस प्रोफाइल में टैंक मिल जाता है आपको इसमें 40 लीटर का। गाड़ी इतनी ज़बरदस्त लग रही है, और ऊपर से इंजन वगैरह भी हैवी है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए भाई इंजन भी तो चाहिए बढ़िया सा। तो माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप होती है, लेकिन ड्रॉप होने के बावजूद उसके बाद भी आपको मिल जाती है इसमें 17.5 की माइलेज कंपनी क्लेम्ड, जिसके अकॉर्डिंग जो भाई इसमें रेंज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इस तरह से पूरी गाड़ी का 360 व्यू होता है कंप्लीट। अब बात आती है, अब मज़ा आएगा अंदर भाई। वो चीज़ें इसमें हैं, लिटरली दोबारा से बता रहा हूँ, कि जो बेस वेरिएंट में कभी कोई कंपनी नहीं दे सकती। इसके ऊपर भी वेरिएंट है, देखो यहाँ पर भी अलॉय दिख रहे हैं आपको, और भाई इससे ऊपर ये आ जाता है वेरिएंट, यहाँ पर भी अलॉय है। अब खुद सोच के देखो, व्हील की फिलहाल बात छूट गई थी तो व्हील दिखा देता हूँ। इस तरह के अलॉय दिख रहे हैं, सिल्वर कलर के हैं। और उसके साथ प्रोफाइल की बात करें तो मिलता है 185/60R15, 185/60/15 इंच के हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात अंदर जाने की। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ चाबी, तो भाई चाबी मिलती है कुछ इस तरह की, रिमोट है मतलब कीलेस एंट्री है, बटन वटन दबाओ मस्ती से, और बटन इसमें दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ दिखाऊंगा, 3 बटन है, ये हो गया लॉक, ठीक हो गई लॉक गाड़ी, ये हो गया अनलॉक, गाड़ी हो गया अनलॉक, और ये हो गया बूट रिलीज का। चलो ये भी देख ही लेगा, हो गया कुछ पूरा नहीं जाता ऊपर, लेकिन भाई इस तरह से खुल जाएगा, बाकी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो मैंने दबाया यहाँ पर लॉक, अब मैं इसको रखता हूँ अपने पॉकेट में, ठीक है, हाथ खाली है। अब देखना इसमें सेंसर है, अपने आप हाथ ले जाते ही, मैं इसको करता हूँ इस हाथ से, हाथ ले जाते ही भाई ऑटोमेटिक खुल जाएगी। इको स्पोर्ट में भी ये फीचर आता था, बढ़िया लगता था, इसमें दबाना नहीं पड़ता हमें दोबारा। ये देखो ऑटोमेटिक ओपन हो गया, अब मैं एक बार इसको दबा दूँ, लॉक हो गई। अब ये देखना हाथ जाते ही, क्या बात है भाई, आपको दबाना भी नहीं पड़ेगा बटन, और क्या लोगे। तो इस तरह से मिल जाता है आपको डोर ट्रिम भाई। ये हैं पूरे कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो मिलती हैं भाई, इस सेगमेंट में तो मिलनी मिलनी है, ठीक। और उसके अलावा ये हो गया हमारे मैनुअली लॉक करने के लिए, लॉक एंड अनलॉक का। उसके साथ ये हो गया फोल्ड करने के लिए हमारे मिरर जो है उनको, और उसके साथ ये हो गया इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का। बीच कलर है पूरा का पूरा, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलता है। उसके साथ बॉटल होल्डर यहाँ पर मिल रहा है, और भाई यहाँ पर मिल रही है ग्रिल आपको स्पीकर के लिए, स्पीकर 1, 2, 3, 4, तो भाई 4 स्पीकर का ही सेटअप मिलता है, ट्विटर इसमें आपको नहीं मिलता। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद दिलाएगी कि भाई बेस मॉडल है, ठीक। लेकिन अभी और भी बढ़िया चीज़ें हैं, अभी दिखाता हूँ आगे धीरे धीरे भाई, हाथों में हो रही है खुजली फीचर दिखाने के लिए। ये मिल गई हमको यहाँ पर सीट भाई, इतनी लग्जरी गाड़ी चलाने के लिए कम्फर्ट भी ज़बरदस्त चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर सीट मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट देखो क्या बात है, पीछे की तरफ स्लांटेड है, बिल्कुल टिपिकल जो सेडान स्टाइल होता है वो। स्कूप्स ज़बरदस्त मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भाई कमांड है ना हेडरेस्ट में होंडा की, वो कोई मैच नहीं कर सकता। आप डिज़ाइन देखो, एडजस्टेबल तो छोड़ दो वो तो है ही है, लेकिन आप डिज़ाइन देखो इनका, पोजीशन आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग सेट, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर एयरबैग आपको दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल 4 एयरबैग मिल जाते हैं इसमें आपको, 2 आगे हुए और 2 यहाँ पर साइड में हुए, तो 4 एयरबैग बेस मॉडल में मिल रहे हैं, क्या बात हो गई, मज़ा ही आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है। अब जरा बैठते, ज़्यादा देर नहीं करते, क्योंकि ऐसी गाड़ी में बैठने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। और एक बार जरा जो चाबी, एक बार यहाँ पर बटन दबाते हैं अपना, ये रहा, ठीक है, पुश स्टार्ट बटन है, कहाँ गया, खो गया, हाँ, इसको दबाया हमने, एक बार दबा और दूसरी बार दबाया, तो भाई क्लस्टर हो गया अपना जगमग जगमग, बिल्कुल स्वाइप अप एंड डाउन, सुइयाँ उइयाँ, कितना गजब लग रहा है, मतलब क्लासी देखो आप, क्या मस्त लग रहा है। फॉन्ट जो है बड़ी प्यारी लग रही है इसकी। यहाँ पर मिल गया आपको पूरा का पूरा टैको, उसके साथ यहाँ पर मिल जाता है 220 की स्पीड तक का भाई स्पीडोमीटर। बीच में आपको छोटी सी विंडो मिल रही है MID, जिसमें बाकी डिजिटल फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भाई केवल यही नहीं होती, इसके अलावा भी 3600 चीज़ें हैं, तो सारी ऊपर दिख रही हैं। ऊपर घड़ी मिल रही है आपको, कितना टाइम हो रहा है, उसके नीचे एवरेज ट्रिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है आपको, इंस्टेंटेनियस माइलेज उसके साथ यहाँ पर मिल रहा है, टैंक में कितना तेल वगैरह है वो, नीचे आपको टेम्परेचर, सारी चीज़ें मिली जा रही हैं। तो भाई इस तरह से पूरा क्लस्टर है, देख के बड़ा सूदिंग सा लग रहा है आपको। अब बात आती है यहाँ पर स्टेयरिंग की, ठीक बात, एक बार हाँ, जिसके लिए मैंने दबाया था बटन वो तो कर लें,
बाहर का हल्ला, बाहर की आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म। इधर का हो जा भाई। हाँ, ये लॉक हो रखा था यहाँ, अब होगा। धीरे धीरे, स्लो स्लो, मजे लो। ठीक, तो अब अपना जोन हो गया शुरू, मस्त वाला। अब देखो, सबसे पहली चीज़ नोटिस हो रही है, बड़ा अंदर को घुसा हुआ लग रहा है स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग को करते हैं एडजस्ट। अब जो हाथ मेरे ऐसे ऐसे हो रहे थे, उनको बड़ा सुकून मिलेगा। इसको करा हमने नीचे ऊपर, ठीक, और उसके साथ आए हाय हाय हाय, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिल रही हैं, बहुत बढ़िया। उसके साथ बात करें स्टेयरिंग पे, रैपिंग कोई नहीं है भाई, इससे ऊपर के वेरिएंट में आएगी। लेकिन बात करें हम कैसा रिच फील है स्टेयरिंग में, तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देख रहे हो टेलीफोनी के कंट्रोल्स दिए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है। बहुत सही भाई, क्रूज़ कंट्रोल भी दे दिया बेस वेरिएंट में। अब बेस में क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि फोर्थ जनरेशन, दोबारा बता रहा हूँ, आता है, लेकिन अगर फिफ्थ जनरेशन आप लेने जाओगे तो सबसे पहली जो गाड़ी दिखेगी वो यही दिखेगी। ठीक है, पैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके अभी नहीं बताऊँगा, पहले भाई रज जाओ, पूरे जो फीचर है उनको देख देख के मज़ा सा आ जाएगा, पैसे बताऊंगा बाद में। तो अब बात आती है यहाँ पर, तो भाई वाइपर के स्ट्रोक से मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है आपको हेडलाइट का स्ट्रोक, कोई भी ऑटो में नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक मोड में नहीं है, मैनुअली है दोनों के दोनों। ये हो गई बात, एयरबैग तो बता ही दिए थे आपको, तो इसको निपटाते हैं एक तरफ। अब बात आ जाती है यहाँ पर, तो भाई देखो क्या मतलब, इस तरह का अगर ले, इसको दे दें क्या थंबनेल, या देखेंगे अभी यार, बहुत प्रोफाइल, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो मस्त लगती हैं देखने में, तो भाई अभी देखेंगे। फिलहाल आप लुक देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है, मतलब म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, जो कि लग रहा है बहुत सेट सा, मस्त लग रहा है। और भाई अच्छी खासी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों के सपोर्ट देता है, चार स्पीकर का सेटअप है, तो आवाज़ भी सफिशिएंट है। और बाकी देखते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, क्विट हो गया, ऐप्स हमारा अभी जो फ़ोन कनेक्ट होगा तभी होगा ये, तो इस तरह से है। ओवरऑल यही दो चीज़ें होती है भाई, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, यही है। और बाकी उसके अलावा बढ़िया चीज़ क्या है भाई, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा। ठीक, ये जल गया कैमरा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई केवल सादा सा कैमरा नहीं है, और भी चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखो आपको ये समय मिल रहा है वाइड व्यू, ठीक। अब ये व्यू देखो, ये थोड़ा सा जूम हुआ है ना, और उसके अलावा देखो ये बिल्कुल ही नीचे का व्यू हो गया, यहाँ पर बिल्कुल नीचे का। आपको जैसे बैक कर रहे हो, आपको लगा कि भाई कोई चीज़ बिल्कुल एज टू एज खड़ी करनी है हमें गाड़ी, तो ये भाई बिल्कुल नीचे का व्यू है, क्या बात है। दिल्ली विल्ली में तो बड़ी काम आती है चीज़, कोने कोने पे एक एक इंच की पार्किंग की जगह होती है, वहाँ पर वैल्यू करते हैं उसे, तो भाई अब करते क्या, करनी पड़ती है। तो भाई ये हो गया इस तरह से, अब बातें इधर उधर की नहीं करते, और इस तरह से गाइडलाइन भी हम बंद कर सकते हैं, है? और सेटिंग वगैरह इसमें ब्राइटनेस, चलो इसको छोड़ें, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको करते हैं, गियर को हटा दिया, ये कुछ इस तरह से हो गया, बहुत टाइम ले गया भाई यही हमारा। यहाँ पर मिल गया आपको इस तरह से एसी वेंट, सारे के सारे वर्टिकल शेप में अच्छे लग रहे हैं, सिल्वर सराउंडिंग यहाँ पर मिल गई, साटन फिनिश है, मस्त। और भाई उसके साथ डैशबोर्ड का लेआउट बहुत बढ़िया है, सिंपलिस्टिक है, और सिंपल चीज़ें ही बहुत टाइम तक आंखों में बसी रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाईफाई साउंड एकदम से देख के बढ़िया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बोरियस ही हो जाती है उस डिज़ाइन में, लेकिन जो सिंपल से डिज़ाइन होते हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते हैं। ठीक, नीचे आते हैं यहाँ पर हम, तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भाई, ठीक है, वो तो मिलना ही मिलना है भाई, जब क्रूज़ कंट्रोल दे दिया, ये दे दिया, तो ये तो दोगे ही, तो भाई इस तरह से हम करेंगे कंट्रोल। और यहाँ पर मैक्स कूल देख रहा हूँ, इस तरह से हमारा चालू हो गया, भर्राटेदार बिल्कुल, और इसको करते हैं बंद, हो गया बंद। नीचे देखते हैं आप, 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया यहाँ पर, और से होगा मतलब एक चार्जिंग का, और एक यहाँ से कनेक्ट करने का, कुछ भी आप ड्राइव वगैरह कनेक्ट करोगे। यहाँ पर स्पेस दे दिया फ़ोन रखने के लिए, ये बढ़िया है, डेडिकेटेड स्पेस है। कप होल्डर यहाँ पर दे दिया नीचे, और उसके साथ यहाँ पर पूरा ग्लॉसी बढ़िया फील आ रहा है, और उसके साथ 6 स्पीड का गेयर बॉक्स है, ये देख रहे हो आप, और कन्वेंशनल रिवर्स इस तरह से है। हो गई बात पूरी, और सेंटर कंसोल कुछ इस तरह से, इसमें भी बीच का इफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो भाई क्या बात है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर ग्लोव बॉक्स, और क्या बचा है, और भाई मामला बचा है हमारा, हाँ यहाँ पर ये लाइट्स, हमारी लाइट्स मिल गई, और यहाँ पर क्या बात है भाई, मिरर मिल रहा है, बढ़िया चीज़ है, एक बार हाय हेलो कर लो, कहाँ गया ये रहा, हेलो दोस्तों, ठीक हो गया, अब इसको करते हैं बंद। और भाई यहाँ पर भी मिल गया आपको एक और मिरर, इस तरह से पूरी की पूरी हमारी कहानी होती आगे की ख़त्म। और इस ये जो हमको मैच जैसी दी हुई है, इसी के अंदर माइक फिट है बात बात करने के लिए। अब और कुछ तो बचा नहीं है, हाँ एक चीज़ इधर के कंट्रोल्स बचे हैं, तो भाई ये देखो यहाँ पर आपको लेवलर दिया हुआ है हेडलाइट के लिए, और उसके साथ ये बटन देख रहे हो भाई, TPMS भी इसमें मिल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको दिया हुआ है। और दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बेस मॉडल है, मतलब स्टार्टिंग इसी से हो रही है हमारी, फिफ्थ जनरेशन की, बेंचमार्क ही ऐसा सेट कर दिया है कि ये फीचर तो होने ही होने चाहिए। और उसके ऊपर यहाँ पर मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए बटन। तो भाई ये हो गई पूरी कहानी हमारी,
और अब आ जाती है बात रियर स्पेस की। अपने हिसाब से मेरी सीट हो गई है सेट, बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से सेट हो रखी थी। थोड़ा सा जो पीछे का, हाँ अभी अपने हिसाब से सेट है, ये देख रहा बैक जो एंगल है रिक्लाइन एंगल वो भी हो गया भाई। ये मिल रहा है आपको रियर का कुछ ट्रिम, ज़्यादा बटन्स नहीं है, सिर्फ एक ही जो हमको चाहिए यहाँ पर रियर पावर विंडो का हो गया, और उसके अलावा वैसे ही आपको सॉफ्ट टच पूरा दिया है। बॉटल होल्डर यहाँ पर भी मिल रहा है और ग्रिल मिल जाती है स्पीकर के लिए। अब बात आती है भाई स्पेस की, क्या बात है इसमें तो भैया बच्चा बच्चा भी बैठ जाएगा एक आराम से, इतनी जगह मिल रही है। और मिले भी क्यों ना भाई, 2600 mm का आपको मिल जाता है यहाँ पर पूरा व्हील बेस, जो कि अपने आप में ज़बरदस्त है। सीट की बात करें, पीछे की तरफ इंक्लाइंड है और टिपिकल वही जैसे आगे की सीट से वैसे पीछे की, कम्फर्ट तो मिलना ही मिलना है। और उसके साथ यहाँ पर हेडरेस्ट बस फिक्स दे दिए हैं, ये चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, रियर में सेंटर बंदे के लिए, सेंटर वाले के लिए भी आपको डेडिकेटेड मिल गया है हेडरेस्ट। अब बात करें यहाँ पर, चलो बैठ ही जाते हैं, एक बार बैठ के आपको दिखाता हूँ पूरा स्पेस। ओए होए होए भाई साहब, पैर पूरे ऐसे फैल गए हैं, ये देखो जरा मेरे बिल्कुल जूते टच हो रहे हैं आगे जाके, पूरे सीधे कर रहा हूँ अगर पैर, इतना ही स्पेस है, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा ये चीज़ देखो, यहाँ पर आपको ये जो हमारा एंगल है ना जूतों का, फ्लोर जो है हमारा, ये पीछे की साइड इस तरह से टेपर है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं देखी जाती बाकी कार्स में। सब में जूते जो होते हैं हमारे ऐसे आते हैं, पैर ऐसे सीधे होते हैं, इसमें हमारे इस तरह से टेपर में, जो कि बहुत बढ़िया कंफर्ट दे रहे हैं भाई। यही चीज़ मैंने देखी थी जो हमारी WRV है, उसमें भी इसी तरह का रियर के लिए एंगल है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। पीछे का कंफर्ट में तो भाई चार चांद लगा देती है ये चीज़, ये एंगल पैरों का। अब आती है बात यहाँ पर, आर्म रेस्ट यहाँ पर दिया हुआ था, ये भूल गया था मैं, इसको खोलते हैं ज़रा, स्पेस देखते हैं अंदर। तो ये मिल रहा है आपको कुछ स्पेस, और ये भी पूरा का पूरा फैब्रिक से। यहाँ पर देखते हैं तो भाई यहाँ मिल जा रहे हैं रियर के लिए AC वेंट्स। उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको, अरे वाह, दो दो मिल रहे हैं भाई 12 वोल्ट के सॉकेट, इसकी जगह एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक साइड दे देना था जो हमारा डायरेक्ट USB चार्जिंग के लिए पोर्ट, लेकिन दो दो दे दिए हैं, दो दो चार्जर लगा लोगे आप इसमें, बढ़िया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मिल रहा है रियर के लिए एक और लैंप, और उसके अलावा क्या है, आर्म रेस्ट भाई यहाँ पर ये इस पोजिशन पर टकना चाहिए था, है ना, ये बिल्कुल जो सीट है हमारी उसी का सपोर्ट ले रहा है। मतलब कुछ सालों बाद ऐसे जरूर हो जाते हैं वजन पड़ पड़ के, लेकिन ये न्यू में ही ऐसा है, ये चीज़ थोड़ी सी सुधारनी चाहिए। बाकी WRV में भी देखा था, उसमें भी ऐसे ये सीट का ही सपोर्ट लेता है, ये इस हाइट पर होना चाहिए ऐसे, लेकिन कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं। चलो इसको करते हैं बंद। बाकी ओवरऑल एरी कितना लग रहा है, मेन चीज़ है जो थीम है कलर की वो कंप्लीट भी है, चाहे रूफ देखे चाहे यहाँ देखे, ब्लैक एलिमेंट है लेकिन ओवरऑल जो कमांड करता है कलर वो भाई बीज कलर है, और ग्लास एरिया तो बहुत बड़ा है। तो अब चलते हैं जरा इसके पीछे, सबसे पीछे मतलब इसके बूट में, क्या बूट स्पेस मिल रहा है। तो भाई हाँ, ये कुछ खुलती है इस तरह से डिग्गी, और भाई ओ हो क्या बात है, मतलब 506 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल रहा है, कितना ही बड़ा है। अब इसमें कितने बैग रखे जाएंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, ज़बरदस्त स्पेस है। अब इसके आगे कहने की कोई बात ही नहीं है, और कहने की बात ये है बस कि भाई यहाँ पर पूरा कवर कर दिया है कंपनीज ने, छोड़ दिया था ये कवर करना, यहाँ पर पूरा खुला ही खुला आता था, लेकिन बढ़िया चीज़ है इसमें दोबारा से कवरिंग आनी शुरू हुई है, मस्त है। चलो इसको करते हैं बंद। तो ओवरऑल अंदर बाहर तो देख ली गाड़ी, लग बढ़िया रही है। अब पहली चीज़ आती है कि मैंने आपको इसमें बता दिया था कि 4 एयरबैग आते हैं, ठीक, उसके अलावा क्रैश टेस्ट की बात होती है तो भाई एशियन एनकैप में इसको मिले हैं 5 स्टार। अब इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जितने स्टार थे सब ले गई, तो भाई सेफ्टी एस्पेक्ट से तो भाई टेंशन फ्री हो गए सबके सब। अब बात आती है कुल मिला के इंजन की, तो इंजन इसमें जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 cc का इंजन है, और उसके अलावा पावर की बात करें मिलती है 121 PS की पावर, और उसके साथ अगर बात करें टॉर्क की तो 145 Nm का मिल जाता है आपको इसमें टॉर्क। माइलेज फिगर मैंने आपको बताई थी 17.8 km/h, मतलब करीब करीब 17.8 की कंपनी क्लेम करती है। और अगर बात करें वजन की, गाड़ी में वेट कितना है, तो भाई करीब 1.25 किलो, 1120-22 किलो के करीब इसमें पूरा वजन है। तो भाई इस तरह से चीज़ें सारी हो जाती है, एंड बच रही है अपनी बस प्राइसिंग, और यार थोड़ी सी कमी जैसी क्या लग रही है यार, बोनट उठाया नहीं मैंने एक बार यार, चलो 2-4 मिनट और सही, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार खोल देते हैं यहाँ से बोनट। और हाँ यहाँ पर दिखा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल रहा है इसमें, ठीक, तो बीप दे रही है क्योंकि मेरी पॉकेट में ही इसकी की है, इस तरह से आपको बीप देती रहेगी। हाँ तो भाई ये मिल रहा है आपको, जैसा इंजन बताया मैंने 1500 cc वाला है, 4 सिलेंडर है, इस तरह से पूरा सेटअप है। अब जो पहले आता था कन्वेंशनल कवरिंग वगैरह, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, इस तरह से पूरा सेटअप आपको मिलता है भाई। ओवरऑल चीज़ें तो सही मिल रही हैं, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, और उसके साथ ब्रेक असिस्ट, जो भी चीज़ें हो सकती हैं
सेफ्टी वाइज, ब्रेकिंग से रिलेटेड वो सारी इसमें आपको मिल जाती हैं। पावर फिगर आपको बता ही दिए थे कि 121 पीएस की पावर मिल जाती है और उसके साथ टॉर्क जो मिल रहा है आपको 145 एनएम का मिल रहा है। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो भाई प्राइसिंग की बात करें 11,32,000 रुपये ये मिल रही है आपको एक्स शोरूम। इस समय मैं हूँ हल्द्वानी में प्लैनेट होंडा में, और अगर यहाँ पर आप बात करते हैं तो भाई यहाँ पर उत्तराखंड में ही आपको मिल जाएगी 13,40,000 रुपये की ऑन रोड। दोबारा से बता रहा हूँ, बेस वारंटी कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्टार्टिंग ही जो फिफ्थ जनरेशन है उसकी इसी वेरियंट से हो रही है। तो ओवरऑल गाड़ी ये थी भाई, गाड़ी कैसी लगी? लगी तो मस्त, कोई भी नहीं कह सकता कि नीचे का वेरियंट है या कुछ है। सारी चीज़ें बाहर से देखने पे जो भी जज करता है तो भाई उसको वही मिलेंगी जो प्रीवियस जनरेशन में ऊपर के टॉप वेरियंट्स में मिलती थी। तो भाई ये था इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार सुमित चैनल को। जय हिंद। वैसे एंगल तो ये भी अच्छा लग रहा है थंबनेल के लिए।